हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिज मार्ट। लेट्स स्टार्ट 14 अक्टूबर मार्केट अपडेट। यहाँ पे हम देखने वाले एफएनओ डेटा, एफआईडीआर, डीआईएस का डेटा देखने वाले, ग्लोबल मार्केट की कंडीशन देखने वाले हैं, प्योर लेवल देखेंगे जहाँ से हमको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेंगे, साथ में ब्रोकर्स के कुछ जो कि कॉल्स है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू मतलब आपको एक 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 आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट का मतलब कि मूवमेंट कैसा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी शुरू करता हूँ अपने मार्केट अपडेट से। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी 50 जो कि इंडियन मार्केट है, यहाँ पे 0.94% का गेन है। सेंसेक्स 0.75% के गेन के साथ में कल क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे डॉ जोन जो है वो एकदम फ्लैट बंद हुआ। ठीक है, 0.000 मतलब कि अप्रोच 1 पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो ये फ्लैट बंद हुआ। नैस्डैक जो कि 0.73% के गेन के साथ में बंद हुआ। S&P 500 अप्रोक्स 0.30% के साथ में बंद हुआ। वही FTSE 100 जो कि यूरोपियन मार्केट है वो 0.16% के गेन के साथ में शुरू है। CAC 100 जो कि 0.75% के साथ में शुरू है। वही डैक्स 0.68% के साथ में शुरू है। वही आगे अगर मैं Nikkei 225 जो कि जापानीज मार्केट है, यहाँ पे 1.13% के साथ में गेन में शुरू है। वही हैंगसेंग जो कि 1.43% के साथ में लॉस में बंद हुआ शुरू है। वही कॉस्पी कोरियन मार्केट 1% के साथ में अप्रोच शुरू है। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट है। यहाँ से अगर मैं ओवरऑल कंडीशन आपको अगर बताऊँ तो ओवरऑल कंडीशन ऐसी है कि मतलब ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव बनी है अभी। ठीक है, यहाँ पे डॉ जोन्स ने कुछ ऐसा मतलब कि पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया, बड़े ऐसा कुछ नेगेटिव सिग्नल भी नहीं दिया, तो वो मतलब न्यूट्रल बंद हो गए। ठीक है, बट नैस्डैक एंड S&P 500 है वो तो पॉजिटिव बंद हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के सामने अभी जो नेगेटिव चीज़ थी, मैंने बोला था कल आपको कल की वीडियो में कि डॉ जोन्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, बोला कि मतलब मार्केट कैसे ओपन होगा। ठीक है, तो डॉ जोन्स तो अभी फ्लैट बंद हुए, तो डॉ जोन्स का कुछ लेना देना नहीं है अभी। तो ग्लोब बाकी जो रिमेनिंग मार्केट है उनमें अच्छी खासी कंडीशन बनी है, प्लस मतलब अच्छी खासी गेन के साथ में शुरू है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज भी ऊपर जाएगा एंड अपनी जो जर्नी है वो शुरू रखेगा। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं आगे क्या क्या डेटा मिलता है हमको। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर ने कल परफॉर्म किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑल सेक्टर, जो भी जितने भी सेक्टर है, उन सभी सेक्टर ने कल परफॉर्म किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर ने देखो 0.30% के गेन के साथ में मतलब कि यहाँ पे बंद हुआ। वही फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 0.34% के साथ में बंद हुआ। आईटी सेक्टर यहाँ पे 1.19% के साथ में बंद हुआ। फाइनली आज के दिन मतलब कल के दिन आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया एंड रिवर्सल दिया। ठीक है, एनर्जी सेक्टर 1.39% के साथ में बंद हुआ। वही मेटल सेक्टर 1.46% के साथ में बंद हुआ। फार्मा सेक्टर 0.34% के साथ में बंद हुआ। वही FMCG 0.83% के साथ में बंद हुआ एंड ऑटो 3.43% के साथ में बंद हुआ। अगर आप लास्ट 5 डेज की अगर बात करूँ, मैं लास्ट 5 दिन की अगर बात करूँ, 5 दिन में ऑटो सेक्टर भागा होगा अप्रॉक्स 10+% भागा होगा कल। लास्ट 5 डेज में 10% से ज़्यादा भागा है ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो आ रहा है कुछ जो भी ऑटो सेक्टर की कंपनीज में आ रहा है, जो कंपनीज में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, कम्योडिटीज के अगर देखते हैं, कम्योडिटीज में क्या शुरू है फिलहाल। ठीक है, कम्योडिटीज जो कि गोल्ड है, गोल्ड 1.46% के साथ में गेन में शुरू है। सिल्वर 1.96% गेन के साथ में शुरू है। कॉपर 3.23% के साथ में शुरू है। वही एल्यूमिनियम 0.37% के साथ में शुरू है। लेड 0.58% के साथ में शुरू है। निकेल 0.43% के साथ में शुरू है। जिंक 5.04% के साथ में शुरू है। ठीक है, तो बुलियन मार्केट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बुलियन मार्केट और बेस मेटल्स, इन सब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग तेजी शुरू है फिलहाल। स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज़्यादा जिंक के अंदर। तो हमें यहाँ से मतलब कि जो नया मतलब कि मूवमेंट आएगा, आज नया मूवमेंट आएगा मेटल के अंदर। मेटल में भी यहाँ पे 2% या 3% की गेन के साथ में आज मतलब कि ओपन होगा। ठीक है, तो उसका सपोर्ट एक मार्केट को मिलेगा एंड मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। USD INR यहाँ पे देखो 75.306 का लेवल है एंड जो गेन है 0.030% का गेन है। तो ये तो ऑलरेडी बहुत दिनों से पॉजिटिव चल रहा है एंड पॉजिटिव में ही है अभी तक। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो मार्केट आईटी सेक्टर पे पड़ेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं आगे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओपेक बास्केट है जो कि $82.37 पर बैरल के ऊपर शुरू है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट मतलब कि ये है, फॉल है 0.19% का। इंडियन मार्केट की अगर इंडियन बास्केट की अगर बात करूँ तो 82.4
$45 पर बैरल के ऊपर इंडियन बास्केट भी चली गई है, जो कि बहुत ही खराब न्यूज़ है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पे देखो कि 0.16% का यहाँ पे न्यूट्रल मतलब कि लॉस है, 0.19% का सेम वहाँ पे जैसे हुआ है, ठीक है, ओपे बास्केट में। तो ये न्यूज़ हमारे लिए मतलब कि इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। इसका दो तरह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो कि जो ये है हमारे मतलब कि कुछ क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, लाइक रिफाइनरीज कंपनीज हो करें या ऑयल एंड गैस कंपनीज, उसके अंदर तेजी आएंगी, ठीक है, या जो भी पेंट कंपनीज होंगी तो पेंट कंपनी में गिरावट आएंगी, केमिकल कंपनीज में भी गिरावट आएंगी, ठीक है, फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट आएंगी। तो ये कुछ कंपनीज रहेंगी जहाँ पर मतलब गिरावट आ सकती है, बट एविएशन सेक्टर में गिरावट आएंगी। बाकी क्रूड ऑयल के क्रूड ऑयल से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें तेजी आएंगी, बिकॉज तो क्रूड ऑयल की तेजी की वजह से उनके अंदर उनको फायदा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारे मतलब कि टॉप गेनर्स हैं लूजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गेनर्स की बात अगर करूँ मैं, तो सबसे पहला जो गेनर है जो ऑटो सेक्टर को भगा रहा है वो मतलब कि टाटा मोटर्स, जिसकी तेजी है 21.11% की तेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो कि 5.18% के साथ में गेन में वर्क कर रहा है, क्लोज हुआ। वही टाटा कंज्यूमर है जो कि वो 4.636% के साथ में बंद हुआ। RTC है जो कि 3.98% के गेन के साथ में वो क्लोज हुआ। वही पावर ग्रिड है जो कि 3.47% के साथ में बंद हुआ। अगर लूजर्स की अगर बात करूँ, लूजर्स में सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर का मारुति है जो कि 2.58% के साथ में बंद हुआ। ONGC जो कि 2.17% के साथ में गेन हुआ। HBI लाइफ जो कि 1.76% के साथ में बंद हुआ। कोल इंडिया जो कि 1.55% के साथ में बंद हुआ। हिंदी यूनिलीवर जो कि 1.06% के साथ में बंद हुआ। यहाँ पे अगर कंडीशन है, कंडीशन थोड़ी सी निगेटिव है, कंडीशन मतलब कि मतलब मारुति में कंडीशन निगेटिव है, ठीक है। अगर हम टाटा मोटर्स की अगर बात करूँ, टाटा मोटर्स में बहुत ही अच्छा मतलब गेन के साथ वो वर्क किया, ठीक है। तो मार्केट की अगर बात करूँ मैं फिलहाल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियो में बताया था कि अपने मार्केट में फिलहाल हायर है, हायर लो की कंडीशन शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार मार्केट नया हाई बना रहा है, नया लो बना रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कल का देखते हो तो कल के इसमें आपको दिखेगा कि मार्केट की ओपनिंग जो थी, ओपनिंग ही मतलब कि हाई के ऊपर थी, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग जो थी 18,100 के आसपास में ही थी, ठीक है। एंड मार्केट ने इजीली वो लेवल 100 का लेवल ब्रेक किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 18,000 का लेवल और 18,200 का लेवल, यही दो इम्पोर्टेंट लेवल है। 18,100 का वैसे भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि 200 के पास में जाने के बाद में मार्केट वहाँ पे एक स्टॉप ले लिया मार्केट ने, देखो मार्केट वहाँ से मतलब स्टॉप लेके नीचे आके बंद हुआ, ठीक है। 18,000 का लेवल फर्स्ट टाइम मतलब कि ब्रेक करते समय मार्केट को टाइम लगा, और 18,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद में मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। तो वही है कि 18,000 का लेवल इम्पोर्टेंट था, उसके बाद 18,200 का लेवल है जहाँ से हमको डायरेक्टली तेजी मिलेंगी, हमको कहाँ पे 18,500 का लेवल तक हमको तेजी मिल सकती है आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, मतलब मार्केट को अगर गिरता है तो कहाँ पे मिलेगा, तो गिरने का तो आप एक्सपेक्टिंग है फिलहाल तो मत रखो। अगर मार्केट गिरेगा अभी तो हमको पता चलेगा उस, क्योंकि उसके पहले नहीं एक छोटी सी कैंडल बनाएगा, ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं, छोटी सी कैंडल बनाएगा एक रेड वाली, ठीक है। उस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी यहाँ से टर्न अराउंड लेने वाला है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा मतलब कि केयरफुली मतलब कि हम वहाँ से निकल सकते हैं या हमारे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो फिलहाल आप एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ गिरावट होंगी, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे 18,200 का लेवल भी आराम से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मतलब जैसे FNO डेटा वगैरह है आगे, तो ठीक है FNO के डेटा भी हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी जो एड मनी का हमारा जो लेवल है वो है 18,150 to 18,200 का हमारा लेवल है, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा 18,100 का लेवल, ठीक है, जहाँ पे 80,000 कॉन्टैक्ट है एज पर FNO डेटा, ठीक है। बाद में जो है हमारा सबसे फेवरेट लेवल 18,000 का लेवल, जहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, वो कि 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना है, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे चेंज हुए हैं, ठीक है।
बाद में है 18,900 का लेवल, जहाँ पे 85,000 मतलब कि कॉन्टैक्ट्स है। एंड देन सबसे फेवरेट हमारा, उसके बाद फेवरेट हमारा कोई, तो वो है 17,800 का लेवल, ठीक है, जहाँ पे 80,000 केसेस कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन में, मैं आपको बताता हूँ दोनों को, मैं समराइज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लेवल रहेगा जहाँ पे मार्केट रुकेगा, वो है 18,200 का लेवल, सबसे पहले रुका है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 18,300 का लेवल एज पर एफएनओ डेटा, जहाँ पे 90,000 ओपन 90,000 कॉन्टैक्ट यहाँ पे बने, ठीक है। उसके बाद में 80,000 कॉन्टैक्ट बने यहाँ पे अप्रोक्स कहाँ पे, अपने 18,400 के लेवल पे, एंड 88,000 कॉन्टैक्ट बने यहाँ पे 500 के लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे हमको 18,500 तक तो नहीं जाना है फिलहाल, हम यहीं पे देखते हैं कि हमारा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपका सपोर्ट कहीं पे बनेगा, तो वो बनेगा सपोर्ट आपका 18,000 के लेवल पे बनेगा, ठीक है। मैं 18,100 के ऊपर इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो लेवल मतलब कि ईजिली अप एंड डाउन के लिए बना है, ठीक है। उसके बाद में कोई लेवल है मेरे को लगता है तो 17,800 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट नहीं स्टॉप लेगा। उसके पहले हाँ 900 का लेवल भी है, जो कि अच्छा खासा बना है उसने, ठीक है। ये तीन लेवल रहेंगी। मैं अगर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला जो लेवल है वो 18,200 का लेवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई लेवल रहेगा तो वो रहेगा 300 का लेवल, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद में कोई लेवल आएगा तो और आएगा 500 का लेवल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला मेरा रजिस्ट्रेशन सुबह रहेगा, सबसे फेवरेट 18,200 का लेवल, बाद में रजिस्ट्रेशन टू रहेगा 18,300 का लेवल, रजिस्ट्रेशन थ्री रहेगा 18,500 का लेवल, ठीक है। ये मेरे रजिस्ट्रेशन रहेंगे। देन मेरे जो सपोर्ट रहेंगे, सपोर्ट वन रहेगा मेरा 18,000 का लेवल, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट टू रहेगा 17,900 का लेवल, और सपोर्ट थ्री रहेगा फेवरेट अपना 800 का लेवल। देखो ये लेवल टूट गया तो समझ लो कि गिरावट आना शुरू हो जाएगा, ये लेवल ब्रेक हो गया समझ लो तेजी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लेवल अपने जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 18,000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो नई तेजी चालू होगी, 17,800 का लेवल ब्रेक हो गया तो गिरावट चालू हो जाएंगी। तो वैसे ही अभी करंटली ऐसी सिचुएशन है, 400 की गैप है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख लेना, आगे देखते FIJS की अगर बात करूँ, तो FIJS में 13 अक्टूबर को कैश मार्केट में FIS की तरफ से 937 करोड़ की मतलब बाइंग हुई है, DIS की तरफ से 432 करोड़ की सेलिंग हुई है, ठीक है। वही FNO इंडेक्स में 13 अक्टूबर को FIS की तरफ से 1200 करोड़ की बाइंग हुई है, 95 करोड़ की मतलब सेलिंग हुई DIS की तरफ से। यहाँ पे कंडीशन अभी भी फिलहाल तो भी मतलब कि फ्लैट है, इतनी ज़्यादा मतलब कि हाई नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब कि बताने के लायक इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। अभी भी मतलब कि FIS ऐसा बोल सकते कि FIS बुलिश है, DIS नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनी है। आगे देखते कोर्ट की सिचुएशन, देखते कोर्ट की सिचुएशन में जो यूएस के केसेस है, यहाँ पे 97,000 केसेस आए, 98,000 केसेस आए, 1800 का डेड काउंट है, एंड 1,00,000 का रिकवरी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर बार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में देखते तो इंडिया में 19,000 केसेस है, 249 केसेस मतलब कि डेड काउंट है, एंड 20,000 केसेस रिकवरी हो रहे हैं। तो ये इंडिया में तो अच्छी नॉर्मल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन है। वही आगे देखते हैं ब्रोकर्स की अगर बात करूँ, तो मैं ब्रोकर्स टीसीएस में बाय रेटिंग दिया जियोजित BNP परिभाष ने, ठीक है। टारगेट प्राइस है 4,300 का, एंड करंट प्राइस है 3,656 का मतलब कि करंट प्राइस है। वही टाटा मोटर्स ने बाय रेटिंग दिया ICICI सिक्योरिटीज ने, ICICI डायरेक्ट ने, टारगेट प्राइस है 515 का, करंट प्राइस है 507 का, ठीक है। यहाँ से बस 5-6 रुपये का मतलब टारगेट है, बाय कर लेना। आगे है टाटा मोटर्स पे बाय रेटिंग दिया है KR चौकसी ने, टारगेट प्राइस है 495 507 का करंट प्राइस है।
इनका बाय रेटिंग क्यों है समझ में नहीं आ रहा। टाटा मोटर्स की बाय रेटिंग, टाटा मोटर्स की बाय रेटिंग है प्रभुदास लीलाधर का, टारगेट प्राइस है 592, करंट प्राइस है 507 का। टाइटन कंपनी के ऊपर बाय रेटिंग है शेर खान का, टारगेट प्राइस है 2790, करंट प्राइस है 2537 का। ठीक है, ये कोई ब्रोकर से कॉल है, इनके हिसाब से जाओगे तो अच्छा रहेगा। प्योर लेवल से अगर बात करूँ, प्योर लेवल में हमारा एड मनी का मतलब लेवल जो है वो है 18,162 का करंट लेवल है हमारा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है 190 के ऊपर, सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है 262 के ऊपर, और थर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है 335 के ऊपर। ठीक है, ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और सपोर्ट लेवल की अगर बात करूँ, 109 के ऊपर हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, 057 के ऊपर मतलब कि 18,057 के ऊपर हमारा सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहेगा, एंड 17,940 के ऊपर हमारा थर्ड सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं समराइज करूँ अच्छे से, तो हाँ 18,190 का लेवल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जस्ट प्लस में अगर देखें हम उसके पास में ही, अगर देखें तो उसके पास में ही 18,200 का लेवल है। ये तो एक स्ट्रांग मतलब कि सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। अगर सेकंड लेवल की अगर बात की, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस वन, सेकंड इसकी बात करो तो यहाँ पे 18,265 का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे उसके जस्ट सामने 18,300 का लेवल है, तो ये जोन आप पकड़ लो कि ये जोन के ऊपर नीचे मार्केट, उसके जस्ट नीचे रेजिस्टेंस 3 भी है जो कि 18,335 का लेवल दिखा रहा है। तो ये आपका रेजिस्टेंस 2 होना चाहिए, मतलब कि यहाँ से 265 टू 335 ब्रेक करता है तो मार्केट का नई जर्नी शुरू हो जाएगी फिर से। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट 3 का, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेंस 4-3 का अगर बात करें तो 18,500 पे आप डायरेक्टली सोच लेना। सपोर्ट की अगर बात तो सपोर्ट में है पहला 18,109 का, जो कि ज़्यादा इंपोर्टेंस में देता नहीं उसको। ठीक है, बट उसके जस्ट नीचे 18,057 का लेवल है जो कि सेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे 18,000 का लेवल है। ठीक है, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट नीचे सपोर्ट 3 है दिया 940 का, 17,940 का लेवल दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो लेवल भी न्यूट्रल है, वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, बट 900 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना 17,800 का लेवल। इस तरीके से आप अपने कुछ ये बना सकते हो आप। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।